क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जनरल मार्क मिले, वो कहते हैं कि चाइना बहुत एग्रेसिव हो गया और पूरी तरीके से तैयार है। ये बात अगर अमेरिका भांप रहा है तो उसने किया कि आप देखिए पूरी तरह से तैयार है, और ये कह दिया गया कि अब ये पॉलिटिकल चॉइस है हमला कब करना है। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री चीफ जनरल मार्क मिले का ये महत्वपूर्ण बयान, ये बड़ी वार्निंग। चीन के फाइटर जेट्स लगातार समंदर में प्रोवोक कर रहे हैं। मार्क मिले ने कहा 5 साल में चीन ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट की रफ्तार तेज कर दी है। चीन ने आसमान में अमेरिकी जेट के बेहद पास भरी उड़ान। अमेरिका के अलावा कनाडा ऑस्ट्रेलिया को भी छेड़ रहा है चीन। हर किसी को दुनिया भर में और बड़ी ताकतों को यूं उकसाकर एक्चुअली चीन साबित क्या करना चाहता है, कहा यह भी जाता है कि अगर आप मोहल्ले में जाकर किसी आप उतने नामचीन पहलवान ना हो, लेकिन किसी बड़े पहलवान को जाकर छेड़ दीजिए या उसे कुछ बोल दीजिए तो आपका यह तय हो जाता है कि आपका कद कितना बड़ा है। क्या चीन ये करने की कोशिश कर रहा है या चीन के इरादे कुछ और हैं? उससे पहले जरा ये देखिए, क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर ना करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 5 वर्षों में चीन की सेना बहुत आक्रामक हुई है, ये जनरल मार्क मिले का अपना ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने ये भी कहा है कि पैसिफिक में चीनी फाइटर्स का दखल बढ़ गया है, और ये तजुर्बा इंटेलिजेंस सब मिलाने के बाद, क्योंकि आप जब यहां मार्क मिले से बात कर रहे हैं तो आप चेयरमैन से बात कर रहे हैं, आप ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन से बात कर रहे हैं। अब आप देखिए अमेरिकी जनरल चीनी जहाजों को इंटरसेप्ट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है, और ये बयान इंपॉर्टेंट क्यों है जरा ये भी देख लीजिए, क्योंकि चीन के खिलाफ एकजुटता में जुटा हुआ है, सॉलिडेरिटी तमाम देशों से देख रहा है कौन कौन साथ में आ रहा है, पैसिफिक देशों के साथ संबंध मजबूत करना चाह रहा है अमेरिका, चाइना को काउंटर करना चाह रहा है, और सोलोमन के हाथ से निकल जाने से वो बहुत परेशान भी है। अमेरिकी गतिविधियां हाल के दिनों में जो बीच में ऐसा लग रहा था कि शांत हो गई हैं फिर से बढ़ी हैं, लेकिन क्या ये इतनी काफी हैं कि इस जहर को जो थ्रेटन कर रहा है पूरे वर्ल्ड को काउंटर कर सकें? चीन के निशाने पर कौन कौन, चीन के निशाने पर अगर आप देखें जो मैं पैसिफिक आइलैंड नेशंस की बात कर रहा था, ये सब अपनी जेब में डालना चाहता है वो, सोलोमन, माइक्रोनेशिया, समोआ, वनुआतु, किरिबाती, नीयू, टोंगा, फिजी और पापुआ न्यू गिनी। यहां पर आपको याद होगा विदेश मंत्री चीन के वांग यी, उन्होंने जून में दौरा भी किया था, हालांकि उनको सफलता नहीं मिली। इन देशों में से अधिकांश ने उनके उस संधि पत्र में हस्ताक्षर करने से मना कर दिए जो एक तरीके से डिक्टेट कर रहे थे टर्म्स को चीन की तरफ से। लेकिन ये सद्बुद्धि कितने दिनों तक कायम रहेगी, क्योंकि इन देशों की आप अपनी सीमाएं समझते हैं, छोटे छोटे देश हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, इनको डेवलपमेंट भी चाहिए, इनको पैसा भी चाहिए। सोलोमन की तरह कोई जाकर कहेगा कि आप ये लीजिए, वहां के किसी बड़े हुक्मरान को पकड़ेगा, उसको ब्राइब कर देगा जैसा श्रीलंका में हुआ, तो कितने दिनों तक ये रजिस्ट कर पाएंगे चाइना को, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या अमेरिका इस बात को भांपने के बाद, इसको अंडरलाइन करने के बाद काउंटर प्रिपरेशंस कर रहा है क्या, ये समझना बेहद जरूरी है। जरा देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक देशों से सिक्योरिटी डील कर रहा है चाइना, डील के बहाने वो अपने विस्तारवाद को अंजाम देना चाहता है, अमेरिकी वर्चस्व को तोड़ना चाहता है, क्वाड के खिलाफ मजबूत होना चाहता है और समुद्री रूटों पर अपना प्रभुत्व जमा लेना चाहता है, क्योंकि यहीं से इसी रूट से ज्यादातर दुनिया भर का जो ट्रेड है समुद्र के रास्ते वो होता है। ये है ड्रैगन का मकसद, पैसिफिक क्षेत्र में ड्रैगन ने अपना दखल क्यों बढ़ाया है, उसके पीछे जो रीजंस हैं वो ये हैं। साउथ चाइना सी से हवाई तक काम तेज कर दिया गया है, सोलोमन के साथ सीक्रेट सिक्योरिटी डील की गई है, और समुद्री मछली, क्योंकि आप जानते हैं जितना चाहिए चीन के पेट को भरने के लिए उतना वहां हो नहीं पाता है, तो पूरी दुनिया की मछली पर और रिसोर्सेस पर चीन की निगाहें हैं, इसलिए धरती भी खा लेना चाहता है वो दूसरे देशों की, कारोबार में हिस्सेदारी के लिए रूट तैयार कर रहा है, और ये ड्रैगन की वो जहरीली नियत है जिसके बारे में आज इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको आगाह करना चाहते हैं। ड्रैगन का ये निशान क्यों है, ये निशाना इन जगहों पर क्यों है? ड्रैगन का निशाना इन जगहों पर इसलिए है क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया वो 15% ऑफ द लैंड टेरिटरी, ये दुनिया की जमीन जो है उसका 15% ये उसमें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 3 गुना अमेरिका से ज्यादा समुद्री एरिया इनसे लगा हुआ है, 60% दुनिया भर में प्रशांत महासागर का मैरीटाइम ट्रेड यहीं से होता है, इसीलिए चीन की गिद्ध दृष्टि है इस पर। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।